Hello everyone, I'm Dhuti Bala Rathore, vocational instructor dressmaking from Ministry of Women's Indore. आज हम लोग निमे की जो question bank है उससे हम कुछ basic operations से related topics से जो questions हैं उन्हें solve करेंगे. हम चालू करेंगे question number 118 से. What is the name of seam finishing? यहाँ जो आपको picture दिखाई दे रहा है उसमें कौन सी सिलाई आपको समझ में आती है इसे देखकर? तो ये है आपका एक दिया है, यहाँ फेल्ट होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए, सेल्फ बाउंड सीम, फ्रेंच सीम, ओवरकास्टिंग सीम या कॉर्डेड सीम. यहाँ आप देख रहे हैं सिलाई के अंदर से एक डोरी डाली हुई है और फिर सिलाई लगाई गई है, इसे हम कहेंगे कॉर्डेड सीम क्योंकि इस सिलाई के अंदर एक कॉर्ड का यूज किया गया है. इसका आंसर होगा डी, कॉर्डेड सीम. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ सीम फिनिशिंग. जो सिलाई आपको चित्र में दिख रही है, पिक्चर में दिखाई दे रही है, वो कौन सी सीम फिनिशिंग है? देखिए स्लॉट सीम, स्लॉट सीम नहीं है. स्लॉट सीम हम जब लगाते हैं दो पीस अलग अलग होते हैं और उनके बीच में गैप रहता है, इसमें हम दूसरा फैब्रिक लगाते हैं और डेकोरेटिव होती है. डबल टॉप स्टिच सीम, वो ऊपर से लगाई जाती है और कंप्लीट स्टिच होने के बाद केवल ऊपर से टॉप सीम दी जाती है. फिर आपका फ्लैट एंड पैर सीम, मतलब पहले चपटी सिलाई लगाना और फिर उससे उसमें से जो बड़ा हुआ भाग है उसे फोल्ड करके पैर सीम लगाना. तो ये आपका आंसर आएगा फ्लैट एंड पैर सीम. 119 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैट एंड पैर सीम. नेक्स्ट 120, व्हाट इज द नेम ऑफ सीम फिनिशिंग. अभी जो आपको चित्र में सिलाई दिख रही है ये कौन सी सीम फिनिशिंग है? देखिए यहाँ दो पीसेस हैं, एक पीस को बड़ा रख के उसी को पलटा कर सिलाई लगाई जा रही है और उसी से उसके किनारे फिनिश किए जा रहे हैं. तो ये आपका ऑब्वियसली सेल्फ बाउंड सीम होना चाहिए. इसके ऑप्शन हम देखते हैं, फर्स्ट है प्लेन सीम, फिर है आपका सेल्फ बाउंड सीम. करेक्ट है सेल्फ बाउंड सीम, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा सेल्फ बाउंड सीम, क्योंकि स्वयं बांधने किनारे बांधने वाली सिलाई बोला जाता है इसे हिंदी में. इसमें वही कपड़ा पलटकर और उसके जो फ्रेइंग एजेस है उनको बाउंड कर रहा है. ओवरलॉक सीम नहीं है ये, हांगकांग सीम भी नहीं है. व्हाट इज द नेम ऑफ डार्ट्स. आपको जो चित्र में दिखाई दे रही है कौन सी डार्ट है? कंटूर डार्ट, फ्रेंच डार्ट, डायमंड डार्ट या डबल पॉइंटेड डार्ट्स. ये है आपकी फ्रेंच डार्ट. कंटूर डार्ट नहीं है ये फ्रेंच डार्ट है जो बेस से लेकर आपकी बस पॉइंट तक आती है और ये जो होती है आपके वन पीस गारमेंट में और टॉप्स में, शर्ट्स में, लेडीज के जो होते हैं उनमें यूज की जाती है. ये डार्ट हमेशा आपकी जो होती है साइड से ली जाती है और हल्की सी गोलाई लिए होती है जिससे ये गारमेंट की फिटिंग अच्छी दिखाई देती है. लूज गारमेंट में भी इसका यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट है 122 में आपका आ जाएगा, विच डार्ट इज वाइड एट वन एंड पॉइंटेड एट द अदर शेप इन ट्राइंगुलर. विच डार्ट इज वाइड एट वन एंड पॉइंटेड एट द अदर शेप इन ट्राइंगुलर. ऐसी कौन सी डार्ट होती है जो एंड पॉइंट पर जो होती है अदर शेप इन ट्राइंगुलर शेप में दिखाई देती है? इसका आपका है फुल डार्ट, हाफ डार्ट, कंटूर डार्ट और स्लेज डार्ट. कौन सी डार्ट होती है जो ट्रायंगुलर दिखाई देती है? सिंगल पॉइंटेड डार्ट. सिंगल पॉइंटेड डार्ट को हम इसको हम लोग जो है फिश डार्ट वो भी कहते हैं, फिश डार्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ अपेक्स पॉइंट होता है और नीचे डार्ट लेग होते हैं जिसमें इनटेक यानी कि कपड़ा जो उसके अंदर दबाव में लिया जाता है उसे इनटेक कहते हैं. जो पॉइंट ऊपर की तरफ अपेक्स ऊपर सबसे होता है पॉइंटेड होता है उसे अपेक्स कहते हैं और जो दोनों जो नीचे की तरफ खुले भाग होते हैं उन्हें हम डार्ट लेग कहते हैं. और ये तिकोने जैसी ट्राइंगुलर शेप में नजर आती है. ये कौन सी डार्ट होगी? आपकी हाफ डार्ट या इसे सिंगल पॉइंटेड डार्ट भी हम कहते हैं. सिंगल पॉइंटेड डार्ट, हाफ डार्ट या फिश डार्ट, तीनों नाम से इसी डार्ट को जाना जाता है. व्हाट इज द अदर वेरिएशन ऑफ कंटूर डार्ट. कंटूर डार्ट का दूसरा वेरिएशन क्या है? स्टैंडर्ड डार्ट, फ्रेंच डार्ट, डबल पॉइंटेड डार्ट या वेज डार्ट. देखिए
कंटूर डार्ट जो होती है आपके डबल पॉइंटेड डार्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें जो डार्ट डाली जाती है उसमें जो बीच का इनटेक वाला पार्ट होता है डार्ट का, जहां सबसे ज्यादा कपड़ा दबाव आता है, ऊपर नीचे दोनों ओर से पॉइंटेड होती है और सेंटर में इसके अंदर दबाव जो रहता है वहां पर एक क्लिपिंग कर दिया जाता है, यानी कि कैंची से कट लगा दिया जाता है, जिससे ये डार्ट जो है अच्छी तरह से स्मूथली फिट बैठ जाती है। इसे सेमी फिटेड और फिटिंग जो बहुत ज्यादा फिटिंग वाले गारमेंट होते हैं उसमें इस डार्ट का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा ए, स्टैंडर्ड डार्ट, क्योंकि फ्रेंच डार्ट नहीं है ये, डबल पॉइंटेड डार्ट भी नहीं है। इस कंटूर डार्ट में हम जब एक क्लिपिंग कर देते हैं तो यही स्टैंडर्ड डार्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लीट्स। यहाँ आपको चित्र में जो दिखाई दे रही है, जो पिक्चर में शो हो रही है, ये कौन सी प्लीट है। देखिए यहाँ दोनों साइड से फोल्ड होकर सेंटर में ये आपकी दोनों तरफ से यहाँ आपकी ये फोल्ड लाइन है और यहाँ पर ये प्लेस हो रही है बैक साइड में, और फ्रंट में आपको एक बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा बॉक्स प्लीट। ये कौन सी प्लीट आएगी आपकी, बॉक्स प्लीट। 124 का ऑप्शन लिखिए बी। फिर है 125, विच नेम ऑफ द प्लीट्स मेड बाय टू सिंगल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। विच नेम ऑफ द प्लीट्स मेड बाय टू सिंगल्स, देखिए प्लीट्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में दो सिंगल प्लीट को मिलाकर बनती हैं, ऐसी कौन सी प्लीट्स हैं। नाइफ प्लीट वन साइडेड होती है और एक ही होती है, सिंपल प्लीट्स वो भी नहीं होगी। बॉक्स प्लीट में होगा ये, क्योंकि अपोजिट साइड से दो जो होती है सिंगल प्लीट्स आके और एक बॉक्स क्रिएट करती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा आपका बॉक्स प्लीट। रिवर्स प्लीट नहीं हो सकता, रिवर्स प्लीट जो होती है दोनों तरफ जाके और खुल जाती हैं, इसलिए ये रिवर्स प्लीट भी नहीं है, इसका आंसर जो है वो बॉक्स प्लीट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ टक्स। इस तरह के दिखाई देने वाले टक्स कौन से होते हैं। देखिए ये टक्स हैं जो शेल टक्स हैं, इन्हें हम किनारों पर बनाते हैं डेकोरेटिव पर्पस से, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका शेल टक्स आएगा। ये है आपके शेल टक्स, स्कैलोप इफेक्ट नहीं है। स्कैलोप में हम लोग पहले ब्लाइंड टक्स लगाते हैं, फिर उन्हें अपोजिट डायरेक्शंस में सेट करते हुए स्टिच लगाते हैं। कॉर्डेड टक्स में कॉर्ड का यूज होता है, क्रॉस टक्स में एक बार आपके डायगोनली जो होते हैं बोथ साइड से टक्स का लगाए जाते हैं और क्रॉस बनाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका बी, शेल टक्स। नेक्स्ट है, व्हेन द फोल्ड इज वेरी नैरो दे आर कॉल्ड इज विच टक्स। बहुत ज्यादा नैरो मतलब बहुत सकरे छोटे दूरी वाले जो टक्स होते हैं उन्हें कौन से टक्स कहते हैं। ये आपके आएंगे पीन टक्स। पीन टक्स जो होते हैं इनकी जो दूरी होती है वो सिर्फ एक निडल के पॉइंट के बराबर की होती है, इसलिए बहुत ज्यादा नैरो होते हैं ये और फोल्ड करके लगाए जाते हैं, डेकोरेटिव पर्पस से लगाए जाते हैं और सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं योग्स पर। ये है आपके पीन टक्स। 127 का आंसर है ऑप्शन डी, पीन टक्स। नेक्स्ट 128, व्हाट इज द फिगर शोन, ये फिगर क्या शो कर रहा है। फ्रिल्स, गैदर्स, टक्स या प्लीट्स। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है गैदर्स है ये। ये क्या है आपके गैदर्स। गैदर्स कैसे लगाए जाते हैं, जब हमें जिस कपड़े में ये इनका यूज वेस्ट पर किया जाता है, जो कपड़े का घेरा होता है उसे वेस्ट पर वेस्ट के अनुसार एडजस्ट करने के लिए, उसका घेरा कम करने के लिए, ताकि बॉटम पर तो उसका फ्लेयर पूरा रहे लेकिन कमर पर ही आपको फिट हो जाए, इसलिए जो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है फैब्रिक का उसमें हम दो सिलाइयां लगाते हैं। पांच नंबर का जो टाका होता है सबसे बड़ा टाका वो लगाते हैं और उसमें ऊपर का जो थ्रेड होता है उसे लूज रखा जाता है, जिससे आपको धागा खींचते समय दिक्कत ना हो, और इस तरह से आप दो सिलाइयां लगाकर फिर उनमें से एक धागे को खींच के इन्हें एडजस्ट करते हैं, इस तरह से आपके जो है गैदर्स क्रिएट होते हैं। ये क्या कहलाएगा आपका गैदर्स। 128 का आंसर है ऑप्शन बी, गैदर्स। नाउ 129, What is the name of हेम। यहाँ आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी हेम है। टर्नड अप हेम मतलब पलटी हुई, फेस्ड हेम यानी कि जब हम फेसिंग करते हैं यानी कि कोई दूसरी पट्टी लगाकर और उसे पलटते हैं, किसी दूसरे कपड़े की पट्टी लगाकर उसे हम पलटते हैं तो उसे हम कहते हैं फेस्ड हेम, मतलब दूसरा फेसिंग का पीस लगाकर और उसे पलटाकर उस पर हेमिंग की जाती है किनारों पर, उसे हम कहेंगे फेस्ड हेम।
इसका आंसर आपका आएगा 129 का ऑप्शन बी, फेज्ड हैम। फिर है 130, हाउ मेनी टाइप्स इन बेसिक हेम, कितने प्रकार की बेसिक हेम होती हैं, 1, 2, 3 या 5, ये 3 टाइप्स की होती हैं। जैसे आप फेज्ड हेम देख रहे हैं, एक होती है आपकी टर्न्ड अप हेम होती है, जो टर्न करके उसी कपड़े को टर्न करके बनाई जाती है, फेज्ड हेम में अलग से फेसिंग लगाकर की जाती है, और एक आपकी हो जाएगी एनक्लोज्ड हेम, जिसे हम पलट इसको भी हम एनक्लोज करते हैं किनारों को बंद करने के लिए की जाती है। फिर है इसका आंसर आप कर लीजिए 3, सी 130 का है ऑप्शन सी, 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ केसिंग, केसिंग कितने प्रकार की होती हैं, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप्स या 5 टाइप्स। केसिंग एक्चुअली होती है 2 टाइप्स की। बेसिकली जो केसिंग होती है वो सिर्फ 2 होती हैं, एक होती है इनसाइड अप्लाइड केसिंग और इनसाइड फोल्ड डाउन केसिंग और इनसाइड अप्लाइड केसिंग। फोल्ड डाउन केसिंग मतलब होता है जो हम पजामे में और सलवार में यूज करते हैं, जो कपड़ा आपका वेस्ट पर है उसी कपड़े को फोल्ड करके और केसिंग, इसमें अलग से कोई पट्टी या बैंडिंग नहीं लगाई जाती है, इसलिए इसे कहते हैं फोल्ड डाउन केसिंग। इसका यूज सलवार में पजामों में ज्यादातर किया जाता है। दूसरी होती है आपकी अप्लाइड केसिंग। अप्लाइड केसिंग जो होती है वो फिर 2 प्रकार की होती है, इनसाइड अप्लाइड और आउटसाइड अप्लाइड। तो बेसिकली जो आपकी केसिंग होगी वो 2 टाइप्स होगी। अप्लाइड केसिंग यानी कि जो अलग से हम फैब्रिक या एक स्ट्रिप लगाकर बेल्ट के लिए यूज करते हैं, जैसे पेटीकोट की केसिंग बोल सकते हैं, पैंट का बेल्ट होता है, बच्चों के निकर के बेल्ट होते हैं, इनमें हम लोग अप्लाइड केसिंग यूज करते हैं। जब इस केसिंग को बाहर की तरफ फोल्ड किया जाता है तो आउटसाइड अप्लाइड केसिंग होती है, और जब अंदर की तरफ फोल्ड किया जाता है तो इनसाइड अप्लाइड केसिंग होती है। तो आपकी कितने प्रकार की होंगी केसिंग, 2 टाइप्स की। नेक्स्ट 132, वॉट इज द एंगल ऑफ बायस स्ट्रिप, बायस स्ट्रिप का एंगल क्या होना चाहिए। देखिए जब भी हम किसी कपड़े में कटिंग करते हैं तो ये जैसे यहाँ पर ये स्ट्रेट, ये मान लीजिए आपके कपड़े की विड्थ है, ये आपके कपड़े की लेंथ है। लेंथ और विड्थ इन दोनों के बीच से जब हम इस कपड़े को बिल्कुल इस विड्थ को, इस किनारे को इस किनारे के ऊपर जब फोल्ड करके रखा जाएगा तो यहाँ पर एक तिरछी लाइन आपकी क्रॉस में शो होगी। जो ये अभी आपको 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, उसमें फिर जब यहाँ पर भी एक लाइन आती है इसे फोल्ड करने पर, तो ये आपके 90 डिग्री के एंगल को डिवाइड करती है आधा, यानी 45 डिग्री में। तो हमेशा जो आपकी बायस स्ट्रिप होती है, ट्रू बायस होती है एग्जैक्ट 45 डिग्री की। हम सुविधा अनुसार कम ज्यादा उसे बायस कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट यानी ट्रू बायस जिसे कहा जाता है वो होती है आपकी 45 डिग्री की। हमेशा आपकी जब सेल्वेज होती है तो आप देखते हैं कि जो कपड़े के वार जो होते हैं उनपे ये वेफ्ट जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, और इनके बीच जो लाइन जाती है, जो दोनों किनारों को मिलाकर तिरछी लाइन क्रिएट होती है, वो आपकी 45 डिग्री पर आती है, वही आपकी होती है ट्रू बायस। तो बायस स्ट्रिप के लिए हमेशा हमको कौन से एंगल पर कपड़ा कटिंग करना चाहिए, 45 डिग्री पर। 132 का ऑप्शन टिक कीजिए, 45 डिग्री बी। नेक्स्ट, विच इज अ फैब्रिक टनल, फैब्रिक में टनल, टनल यानी क्या होता है, एक सुरंग या गहराई वाली एक इस तरह की ट्यूब हम बोल सकते हैं, टनल यानी सुरंग या ट्यूब। अब इसमें ये कहाँ पर बनाई जाती है, फैब्रिक में टनल का क्या यूज, कहाँ बनाई जाती है, प्लैकेट के लिए, केसिंग के लिए, बाइंडिंग के लिए या फेसिंग के लिए। ऑब्वियसली केसिंग के लिए यूज की जाती है, यानी टनल जो होती है उसमें सुरंग में से पास किया जा सकता है कोई भी चीज को। तो इसमें हम लोग हमेशा इलास्टिक या स्ट्रिंग जो होती है, स्ट्रिंग यानी कि डोरी, हम केसिंग के अंदर इलास्टिक डालते हैं या स्ट्रिंग डालते हैं उसे क्लोज करने के लिए, उसको फिट करने के लिए, बंद करने के लिए। तो इसका आंसर जो होगा आपका होगा केसिंग। केसिंग को फैब्रिक टनल भी कहा जाता है, ऑप्शन बी केसिंग। नेक्स्ट, विच इज यूज टू स्ट्रेट एंड लूजन द वेस्ट लाइन ऑफ गारमेंट, किसका प्रयोग किया जाता है वेस्ट लाइन पर गारमेंट को लूज या टाइट करने के लिए। इसका भी आंसर केसिंग ही होगा। हेम से तो हम वेस्ट लाइन पर जो है गारमेंट की उसे लूज टाइट नहीं कर सकते। गैदरिंग को अगर हम एक बार लगा देते हैं और उसे टाइट कर दिया है, फिटिंग से कर दिया, तो हम उसे वापस लूज नहीं कर सकते हैं, वो वहीं फिक्स हो जाता है। केसिंग एक ऐसा साधन है, केसिंग जो होती है उसमें हम इलास्टिक या
नाड़े का यूज करते हैं जिससे कि पहनने के समय वो लूज हो जाता है और पहनने के बाद हमारी कमर के अनुसार उसको हम बांध कर या इलास्टिक अपनी शेप में वापस आकर के और फिट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केसिंग। नेक्स्ट, विच कॉर्नर इज डन इन हैंडकरचीफ, कौन से कॉर्नर हैं जो हैंडकरचीफ यानी रुमाल में बनाए जाते हैं। 135 में है, विच कॉर्नर इज डन इन हैंडकरचीफ, रुमाल पर बनाने वाले कोने, मीटरिंग विद फ्लैट टेप, नहीं होता है ये, ओवरलैपिंग कॉर्नर्स, ओवरलैपिंग कॉर्नर्स होते हैं जब रुमाल के कोने हम फोल्ड करते हैं तो हम पहले एक कॉर्नर फोल्ड करते हैं उसके बाद दूसरा कॉर्नर फोल्ड करते हैं, तो पहले वाले फोल्डिंग के ऊपर जो दूसरा वाला साइड है उसको हम ओवरलैप कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओवरलैपिंग कॉर्नर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओवरलैपिंग कॉर्नर्स। नेक्स्ट, विच इज द टाइप ऑफ केसिंग, इनमें से कौन सा एक केसिंग का प्रकार है, फोल्ड अप, फोल्ड डाउन, फोल्ड इनसाइड, फोल्ड अप, फोल्ड डाउन, फोल्ड इनसाइड या फोल्ड आउटसाइड। केसिंग अभी हमने बताई है, एक होती है आपकी फोल्ड डाउन और एक अप्लाइड, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, फोल्ड डाउन केसिंग, फोल्ड डाउन करेक्ट आंसर है। कौन सा केसिंग का प्रकार है, तो इसका आएगा आपका बी, फोल्ड डाउन केसिंग। नेक्स्ट, 137, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉर्नर, इस जो कॉर्नर को आप देख रहे हैं चित्र में ये कौन सा कॉर्नर है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक अलग से टेप लगाकर और ये इसको यहाँ से जो है मीटरिंग कॉर्नर की तरह सिला गया है। जब हम कोना बनाते समय इस तरह से तिरछे कोने को बनाते हैं और उसे फिनिश करते हैं तो ये आपका क्या होता है, मीटरिंग कॉर्नर होता है। तो इसका आंसर आएगा मीटरिंग विथ फ्लैट टेप, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है फ्लैट टेप इसमें यूज की गई है मीटरिंग के लिए, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन बी, मीटरिंग विथ फ्लैट टेप। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉर्नर, ये देखिए रुमाल का कोना है, एक साइड पलटा हुआ है फिर दूसरी साइड वाला, यानी यहाँ पर ये देखिए इसके ऊपर ये ओवरलैप हुआ है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ओवरलैपिंग कॉर्नर, ए, ऑप्शन ए, ओवरलैपिंग कॉर्नर। व्हाट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ गारमेंट on the raw edge, for example, hemline and neckline. Garment पर जो extension होता है उसके raw edges पर यानि खुले हुए किनारों पर, example के लिए इसमें दिया है hemline, यानि कि जो जहाँ भी हमारे कपड़े की लंबाई खत्म होती है bottom पर उसे hemline कहते हैं, hemline and neckline. Neckline पर भी किनारे हमेशा खुले हुए होते हैं, raw edges होती हैं, उनको हमें bind करने के लिए कौन सा process use करते हैं, bias facing, देखिए बायस फेसिंग को हम राउंड शेप में तो यूज कर सकते हैं, इनक्लोजिंग फेसिंग, इनक्लोजिंग मतलब उसे केवल इनक्लोज करना या केवल फेसिंग करना या बैंडिंग करना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा बैंडिंग। बैंडिंग और बाइंडिंग में डिफरेंस होता है, बैंडिंग जो होती है आपकी स्ट्रेट में, यानी कि जैसे हेमलाइन, हेमलाइन तो आपकी स्ट्रेट ही रहेगी तो उसमें आपको बेंडिंग ही यूज करना पड़ेगी, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आंसर आएगा 139 का ऑप्शन डी, बेंडिंग होगी, बेंडिंग यानी कि एक पट्टी लगाकर उसे वापस से पलट देना, इसे हम कहेंगे बेंडिंग। नेक्स्ट है, व्हाई इज यूज्ड टू पाइपिंग ऑन एज फिनिशिंग, पाइपिंग का यूज क्यों किया जाता है किनारों को फिनिश करने के लिए, सपोर्टिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, डेकोरेटिव या फ्रेइंग, यहाँ आएगा आपका डेकोरेटिव। डेकोरेटिव क्यों, क्योंकि पाइपिंग जो होती है वो डेकोरेटिव पर्पस से यूज की जाती है, आप सपोर्टिंग के लिए कुछ भी कैनवस दे सकते हैं अंदर अलाइनिंग के साथ उसे फिनिश कर सकते हैं, स्ट्रेंथ के लिए आप दूसरा फैब्रिक यूज कर सकते हैं, फ्रेइंग के रोकने के लिए हम बाइंडिंग का, बेंडिंग का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पाइपिंग हम लोग जैसे ब्लैक कलर के ड्रेस है उसमें हमने व्हाइट का या रेड का पाइपिंग दिया, इससे उसे डेकोरेटिव लुक मिलता है और ये ट्रिमिंग का काम करती है, तो पाइपिंग हमेशा जो आपकी है वो डेकोरेटिव लुक के लिए यूज की जाती है, ये भी आपके सेल्फ मेड ट्रिमिंग में आती है। फिर है क्वेश्चन 141, विच इज अप्लाइड ऑन अ कर्व एज एंड डन विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिप, विच इज अप्लाइड ऑन अ कर्व एज, कौन सी ऐसी अप्लाइड की जाती है कर्व एज यानी घुमावदार गोलाई वाले किनारों पर
और उसकी हेल्प से कौन सी स्ट्रिप्स के को हेल्प से उसको किया जाता है, तो इसमें आएगा लाइनिंग, बायस फेसिंग, इंटरलाइनिंग या अंडर फेसिंग। देखिए यहाँ पर लाइनिंग मतलब अस्तर, इंटरलाइनिंग मतलब मध्य अस्तर, बायस फेसिंग आएगा इसका आंसर, क्योंकि जब भी आपके कर्व यानी गोलाई वाले किनारे होते हैं, जैसे आपका राउंड नेक है या फिर आपको ऐसा कोई कर्व शेप देकर आपने नेक का डिजाइन बनाया है, आर्मोल पे है, आर्मोल भी गोलाई में होते हैं, इसलिए वहां पर हम लोग बायस फेसिंग का यूज करते हैं। आपका इसका ऑप्शन बी, बायस फेसिंग। नेक्स्ट, विच इज यूज टू फिनिश द रॉ एज फुली टर्न आउट रॉन्ग साइड ऑफ द गार्मेंट्स। Which is used to finish the raw edges? किसका raw edges को finish करने के लिए use किया जाता है? Fully turn out wrong side garment के wrong side पर, मतलब उल्टी तरफ उसे पूरा पलटा जाता है। कौन सी ऐसी जो finish है उसका use किया जाता है? कच्चे किनारों पर पूरी तरह से अंदर की तरफ यानी उल्टी ओर पलट कर उसको finish किया जाता है। तो इसका आएगा आंसर आपका piping, banding, facing या binding, facing। फेसिंग के लिए जो हम स्ट्रिप यूज, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फेसिंग। फेसिंग के लिए हम स्ट्रिप यूज करते हैं, जैसे हम लोग नेकलाइन फिनिश करते हैं, मान लीजिए आपकी स्क्वायर नेकलाइन है तो हम उसी शेप में उसकी फेसिंग काटते हैं और उसे पूरा का पूरा सीधी ओर से सिलते हुए, सीम लगाते हुए उसे अंदर क्लिपिंग करके और उल्टी तरफ को हम अंदर की तरफ पूरा पलट देते हैं और फिर उसे फॉल सीम या टॉप सीम से हम फिनिश करके और उस पर हेमिंग की जाती है। तो यहाँ जो आपका आएगा फेसिंग, ये पूरी तरह से कपड़े के उल्टी और पलट दी जाती है। जैसे पाइपिंग आपकी बाहर नजर आती है, बाइंडिंग बाहर नजर आती है, लेकिन फेसिंग पूरा अंदर की तरफ पलट दिया जाता है। हाउ इज कॉल्ड ऑन द बायस, हाउ इज कॉल्ड ऑन द बायस, वार्प डायरेक्शन, वेव डायरेक्शन, ग्रेन या डायगोनल टू वार्प एंड वेव। देखिए मैंने अभी यहाँ समझाया था, ये अगर आपका ये वार्प है, ये वेफ्ट है, और इन दोनों को जब हम इसको और इसके किनारे को मिलाने की कोशिश करेंगे तो तिरछी लाइन डायगोनल जो हमें मिलेगी वो आपकी क्या कहलाती है, हमेशा बायस। तो यहाँ पूछा गया है हाउ इज कॉल्ड ऑन द बायस, किस प्रकार से बायस को हम पहचानते हैं, कैसे देखते हैं, तो डायगोनल टू वार्प एंड वेफ्ट, वार्प और वेफ्ट पर जो डायगोनल यानी तिरछी लाइन जो क्रिएट होती है उसे कहते हैं बायस। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेसिंग एंड एनक्लोजिंग of edges, what is the function of facing, क्या कार्य है facing के, enclosing of edges के लिए, facing और enclosing edge के क्या कार्य है, इनका उपयोग क्यों किया जाता है, इन facing का और enclose करने के लिए, edges को enclose करने के लिए इनका क्या कार्य है। तो इसका जो हो जाएगा आपका option, turning up the raw edges, राइट साइड ऑफ द क्लॉथ, साइड सीम या सेल्वेज ऑफ द क्लॉथ। देखिए सेल्वेज तो अपने आप में होती है, क्लोज रहती है, साइड सीम को हम ओवरलॉक इंटरलॉक करते हैं, राइट साइड ऑफ द क्लॉथ कपड़े के सीधी तरफ नहीं की जा सकती, हमेशा जो फेसिंग का फंक्शन होता है या इनक्लोज एज, एज को हम बंद करने के लिए जो भी हम यूज करते हैं हमेशा उन्हें हम टर्न किस तरफ करते हैं, टर्निंग अप द रॉ एजेस, जो खुले हुए किनारे होते हैं उनकी तरफ हम उन्हें टर्न करते हैं, उन्हें ही हम टर्न करके और इसे तैयार करते हैं। आपको खुले हुए किनारों को टर्न करके सिलना होता है। तो इसका ऑप्शन ए, टर्निंग अप द रॉ एजेस। 145, विच ट्रिमिंग यूज्ड फॉर बल्की सीम, बल्की सीम के लिए कौन सी ट्रिमिंग का यूज किया जाता है, ग्रेडिंग, ट्रिमिंग, क्लिपिंग, नॉचिंग। यहाँ पर आपका आ जाएगा नॉचेस नहीं लगेंगे, क्लिपिंग नहीं होगी, ट्रिमिंग का यूज कर नहीं सकते हैं, बल्कि सीमें ने जहाँ पर सीम इकट्ठी हो जाती है उस तरह से, तो इसका जो आएगा आपका आंसर आएगा ग्रेडिंग, ऑप्शन ए, ग्रेडिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज अ मेथड ऑफ जॉइनिंग टू और मोर पीसेस ऑफ फैब्रिक बाय अ रो स्टिचेस कॉल्ड, सीमिंग, कटिंग, प्रेसिंग या ट्रिमिंग। देखिए सीमिंग का मतलब होता है सिलाई। यहाँ पूछा गया कौन सी मेथड होती है दो या अधिक कपड़ों को जो है उनके जो रॉ एजेस है उनको सिलने के लिए रो में मतलब एक लाइन बद्ध सिलने सिलता सिला जब जाता है मिलाकर तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीमिंग।
स्टिच और सीम में डिफरेंस होता है. स्टिच मतलब होता है टांका, यानी जब हम स्टिच लगाते हैं तो हम लगाते हैं टांका, और जब ऐसे ही स्टिचेस की पूरी एक लाइन क्रिएट कर देते हैं, मतलब हम लगातार जो टांके लगाते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तब वो मिलकर बनाते हैं सीम यानी सिलाई. तो इसका आंसर आएगा आपका सीमिंग, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए सीमिंग. व्हाट इज अ मेथड ऑफ जॉइनिंग, दो या दो से अधिक कपड़ों के टुकड़ों को एक लाइनबद्ध सिलाई में सिलाई लगाना क्या कहलाता है, सीमिंग. नेक्स्ट, विच डार्ट इज यूज्ड फॉर सेमी फिटेड एंड फिटेड स्टाइल ऑफ गारमेंट, कौन सी डार्ट का सेमी फिटेड और फिटेड गारमेंट्स में यूज किया जाता है, कंटूर डार्ट, फ्रेंच डार्ट, वन एंड पॉइंटेड डार्ट, स्लैश डार्ट, सिंगल पॉइंटेड. यहाँ आ जाएगी आपकी सेमी फिटेड या फिटेड स्टाइल के गारमेंट्स में हम स्लैश डार्ट का यूज करते हैं. हम जब इस तरह के फिटिंग वाले गारमेंट बनाते हैं और उनमें अगर हम डार्ट के जो अमाउंट होती है, जो कपड़ा इनटेक में जाता है, उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो वहां से कपड़ा मोटा होने से आपका नजर आता है. इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे बीच में से कट कर देते हैं और दोनों तरफ उसे दबाते हुए और फिर उसे प्रेस किया जाता है या उस पर हेमिंग कर दी जाती है, जिससे वो कपड़ा वहां पर नजर नहीं आता और फिटिंग में आपकी वो उभरा हुआ दिखाई नहीं देता है. इसका आंसर होगा आपका आंसर ऑप्शन डी, स्लैश्ड डार्ट. नेक्स्ट, वेयर द केसिंग इज यूज्ड कॉमनली, केसिंग का कॉमनली यूज कहाँ पर किया जाता है, वेस्ट पैंट, नेकलाइन, सिम लाइन, शोल्डर लाइन. वेस्ट लाइन पर, वेस्ट पैंट के लिए. क्यों? क्योंकि आपकी जो केसिंग होती है उसको हम लोग हमेशा उसका मुख्य उपयोग होता है कि पहनने के समय आप कपड़े को लूज करते हैं और पहनने के बाद उसे फिटिंग कर लेते हैं, तो केसिंग में ही हम लोग इलास्टिक या स्ट्रिंग डोरी डाल करके उसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं, वेस्ट पर जो खुला हुआ भाग है उसको. तो इसके लिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वेस्ट बिन, वेयर द केसिंग यूज्ड कॉमनली, केसिंग को हम कमर पर यूज करते हैं. 149. Which corner is mainly used for square or V-shaped neckline finishing? Which corner is mainly used for square? देखिए यहाँ है, कौन से कॉर्नर का प्रयोग किया जाता है स्क्वायर या वी शेप नेकलाइन की फिनिशिंग करने के लिए. स्क्वायर या वी शेप, स्क्वायर या वी शेप, ये ध्यान दीजिए, स्क्वायर और वी शेप दोनों में ही आपको कॉर्नर मिलते हैं. मीटरिंग विथ बैंडिंग, मीटरिंग विथ बायस फेसिंग, फिर है मीटरिंग विथ फ्लैट टेप या मीटरिंग विथ रिबन. अभी वी शेप नेकलाइन होती है, वी शेप जो कटिंग होता है आपका उरेप में होता है कटिंग. वी शेप देखिए यहाँ जो आप वी का शेप ही तिरछे में है, दो जो है आपकी डायगोनल लाइंस आ रही है वी शेप बनाने के लिए, तो यहाँ पर आपको बायस फेसिंग का यूज करना पड़ेगा, मीटरिंग विथ बायस फेसिंग. जो इसका कोना है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को तिरछी को मिलाकर एक डायगोनली हम स्टिच लगाएंगे, जिससे हमें वो पट्टी भी आपकी जो बायस स्ट्रिप है वो वी शेप में मिलेगी. तो इसका आंसर होगा आपका मीटरिंग विथ बायस फेसिंग, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी, When the diagonal joining of two edges at the correct is called, at the corner is called. When the diagonal joining of two edges, जब दो किनारों की diagonal edges को join किया जाता है, जुड़ती हैं, तो कौन सा corner कहलाती है? Metering. बार बार हम इसे repeat कर रहे हैं. Metering में आपका जो होता है diagonally joined होता है corner. इसका answer होगा आपका option A, metering. Next है, which is the constructed of overlapping corners? Overlapping corners पर कौन सा वो बनाया जाता है, किस तरह से construct किया जाता है? अब यहाँ है, किस में बनाया जाता है ये, pants, shorts, handkerchief या सलवार? Overlapping corner है, handkerchief में बनाया जाता है. पैंट्स में ओवरलैप नहीं होते कॉर्नर्स, शॉर्ट्स में नहीं होते, सलवार में भी नहीं होते, हैंडकरचीफ के ही चार कॉर्नर्स होते हैं जिन्हें पलटकर बनाया जाता है, तो वो बनते हैं आपके ओवरलैपिंग कॉर्नर्स. तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन, आंसर होगा ऑप्शन सी, हैंडकरचीफ. हाउ द कॉर्नर फॉर्म्ड,
कॉर्नर किस प्रकार से बनाए जाते हैं? मीट टू द लेंथ, मीट टू द विड्थ, मीट टू एजेस, मीट टू बायस। हाउ द कॉर्नर फॉर्म, कॉर्नर किस प्रकार बनते हैं? जब दो किनारों पर, यानी कि देखिए जब हमें कॉर्नर बनाना होता, हम यहाँ देखते हैं अभी हमने ऊपर रुमाल में जिस तरह से देखा था कि जब दो किनारे होते हैं उन्हें हम आपस में जोड़ते हैं और तभी कोना तैयार होता है। आप जब भी एक वार और एक वेफ्ट दोनों साइड को अगर पकड़ करके और सिलाई लगाएंगे तो एक कॉर्नर रेडी होता है। तो इस तरह से जब कॉर्नर बनता है किस तरह से बनता है, दो मीट टू एजेस, इसमें दो जो किनारे होते हैं वो आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ फ्रिल्स, फ्रिल्स का क्या उद्देश्य है? फिनिशिंग, डेकोरेटिंग, फास्टनिंग, ट्रिमिंग। डेकोरेटिंग, फ्रिल पूरी तरह से डेकोरेटिव है, इन्हें सिर्फ हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच इज द विड्थ ऑफ द फ्रिल आर मोर देन दे आर कॉल्ड इज, विच इज द विड्थ ऑफ द फ्रिल्स, फ्रिल की जो विड्थ होती है आर मोर देन दे आर कॉल्ड इज, इनको फ्रिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो होती है विड्थ कितनी होती है, तो इसमें देखिए जेटिंग, फ्लाउंसेस, स्ट्रिप्स और फ्लाई। जेटिंग जो होता है हमारा ये पॉकेट में लगाया जाता है, उसी शेप में कटता है। स्ट्रिप्स जो होती हैं पट्टियां होती हैं, फ्लाई होती है जो ओपनिंग पे लगाई जाती है प्लेकेट में। तो यहाँ इसका आंसर आएगा आपका फ्लाउंसेस, ऑप्शन बी फ्लाउंसेस। नेक्स्ट, विच केसिंग इज यूज्ड इन बेबी गारमेंट्स, बच्चों के गारमेंट में कौन सी केसिंग का प्रयोग किया जाता है? देखिए बच्चों के गारमेंट, बच्चों के जो गारमेंट होते हैं बहुत सेंसिटिव, छोटे छोटे बच्चों के लिए जब कपड़े बनाए जाते हैं तो उन्हें हम ऐसा बनाते हैं कि पूरे खुलकर सरफेस से उन्हें पहनाए जा सके और उतारते समय भी आसानी हो। तो इसमें केसिंग विथ कैनवास, केसिंग विथ इलास्टिक, केसिंग विथ बैंडिंग, केसिंग विथ पाइपिंग, यहाँ होगी आपकी केसिंग विथ इलास्टिक। बच्चों के गारमेंट्स में नाड़ा नहीं डाला जाता, उसमें बाई चांस नॉट लग जाती है तो बच्चों के लिए मुश्किल होती है, इसलिए बच्चों के लिए हम हमेशा केसिंग विथ इलास्टिक का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर है। फिर है, विच केसिंग इज यूज्ड इन पेटीकोट, पेटीकोट में कौन सी केसिंग का यूज किया जाता है? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि केसिंग दो तरह की होती है, एक अप्लाइड और एक केसिंग जो होती है फोल्डेड होती है। तो इसमें है केसिंग विथ ड्रॉ स्ट्रिंग, केसिंग विथ फोल्डिंग, केसिंग विथ इलास्टिक, केसिंग विथ कैनवास। यहाँ आपका ऑप्शन ए केसिंग विथ ड्रॉ स्ट्रिंग, मतलब खींच डोरी खींचने के लिए इसमें लगाई जाती है, इसमें जो केसिंग बनती है उसे क्या कहते हैं, केसिंग विथ ड्रॉ स्ट्रिंग। मैंने आपको दो केसिंग बताई थी, फोल्ड डाउन और अप्लाइड। तो फोल्ड डाउन केसिंग में होती जो है, एक होगी आपकी ड्रॉ स्ट्रिंग और एक इलास्टिक, यानी एक में इलास्टिक डाला जाता है और एक में डोरी। तो यहाँ पेटीकोट के लिए जो यूज होगी होगी केसिंग विथ ड्रॉ स्ट्रिंग। नेक्स्ट है, विच साइड टर्न अप हेम अलाउंस इज फोल्डेड, कौन सी साइड पर हेम के लिए जो अलाउंस फोल्ड किया जाता है? लेंथ ऑफ फैब्रिक, विच साइड टर्न अप, हमेशा जो हेम होती है, हेम लाइन हम किसे कहते हैं, जहां पर हमारे लंबाई, चाहे स्लीव की लेंथ जहां खत्म होती है तो हम उसकी लंबाई यानी बॉटम पर हम हेमिंग करते हैं, ब्लाउज में हम उसकी फुल लेंथ लंबाई जहां खत्म होती है उसमें हम हेमिंग करते हैं, फ्रॉक्स में, कुर्ती में, जहां भी आपकी लेंथ खत्म होती है वहां पर हम लोग हेमिंग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं हेम लाइन या बॉटम लाइन। तो इससे हमेशा जो हेमिंग अलाउंस होता है वो कहाँ छोड़ा जाता है, फैब्रिक में, लेंथ में, फैब्रिक की लेंथ। तो इसका ऑप्शन आंसर आएगा ऑप्शन ए, लेंथ ऑफ फैब्रिक। नेक्स्ट है, फिनिशिंग ऑफ, सॉरी, विच मेथड इज फोल्डेड इन साइड द गारमेंट फिनिशिंग ऑफ टर्न अप हेम, कौन सी मेथड जो होती है इसे फोल्ड अंदर की तरफ फोल्ड किया जाता है गारमेंट की फिनिशिंग के लिए, टर्न्ड अप हेम, जिसे टर्न्ड अप हेम का एक प्रकार है ये, फैब्रिक अलाउंस, फिर है आपका स्टीच अलाउंस, ईज अलाउंस या हेम अलाउंस। ऑब्वियसली हेम अलाउंस को ही हेम फोल्ड करने के लिए यूज किया जाएगा और पूरा अंदर की तरफ इसे फोल्ड किया जाता है। विच मेथड इज, कौन सी मेथड का प्रयोग है फोल्डेड अंदर की तरफ गारमेंट की फिनिशिंग के लिए किया जाता है, इसका आएगा आपका हेम अलाउंस। हम क्या मार्क करेंगे यहाँ पर, हेम अलाउंस, ऑप्शन डी। फिर है,
Which hem most of the hem allowance is eliminated? Which hem most of the hem allowance is eliminated? Enclosed hem, faced hem, rolled hem, turned up hem. मोस्टली कौन से प्रकार की जो हेम होती है उसके अलाउंस को हम एलिमिनेटेड कर देते हैं, मतलब छोड़ते हैं. तो इसमें हमें फेज्ड हेम होगी, इसका आंसर होगा आपका फेज्ड हेम, क्योंकि फेज्ड हेम जो होती है उसमें हम अलग से पट्टी लगाकर हम इसके लिए अलाउंस नहीं छोड़ते हैं. यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग से एक फेसिंग पीस लगाते हैं और उसे पलट कर उसके किनारों पर हेमिंग करते हैं. तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, फेज्ड हेम. नेक्स्ट है, What are the function of banding? Banding के क्या function है? Banding यानी कि एक straight कपड़े की जो पट्टी होती है, इससे हम किनारों को finish करते हैं और ये लगभग उल्टी सीधी तरफ से एक समान दिखाई देती है. आप देखते हैं knitted garments जो होते हैं उनमें ज्यादातर इस तरह की banding का use किया जाता है. Folding, reducing, extension और twisting. यहाँ आपका हो जाएगा C. इसका जो होगा एक्सटेंशन. फंक्शन ऑफ बैंडिंग का क्या फंक्शन होता है, बैंडिंग में हम क्या करते हैं जब हम इसे लगाते हैं और इसे पलटते हैं, ये स्ट्रेट स्ट्रिप होती है, तो इसमें आपकी जो जहां पर भी आप किनारों पर इसे फिनिश कर रहे हैं बैंडिंग से, वहां पर उसकी लंबाई बाहर की तरफ थोड़ी सी बढ़ जाती है जितना आप इस बैंडिंग को बाहर रखेंगे. फिर विच इज द वन और टू रोज ऑफ स्टिचिंग ड्रॉन अप टू form very tiny pleats in the fabrics. Which is the one or two rows of stitching? किसमें एक या दो row होती stitching की जो drawn up to form very tiny pleats, जो बहुत fabric में बहुत छोटी छोटी सी pleats को बनाने के लिए use की जाती है. इसका है pleats, gathers, tucks, darts. बहुत छोटी छोटी होती है pleats की, तो गहराई ज्यादा होती है. Tucks जो होते हैं वो पूरे सिल दिए जाते हैं. Darts में आपको एक side से pointed और एक साइड से ओपन होती है. तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गैदर्स. गैदर्स जो होते हैं बहुत छोटी छोटी सी, टाइनी मतलब बहुत बारीक बारीक सी प्लीट्स की तरह आप गैदर्स को डालते हैं फैब्रिक्स में. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गैदर्स, गैदर्स का क्या फंक्शन है? स्टिचिंग इन गारमेंट, कंट्रोलिंग इन अ गारमेंट, फिनिशिंग इन अ गारमेंट, डेकोरेटिव इन अ गारमेंट. तो हम गैदर्स पूरी तरह से डेकोरेशन के लिए डालते हैं, स्टिचिंग सिलाई के लिए नहीं, कंट्रोलिंग के लिए नहीं, फिनिशिंग के लिए. फिनिशिंग के लिए तो हम गैदर से फिनिशिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये डेकोरेटिव पर्पस से गारमेंट में यूज किए जाते हैं. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गैदर्स, गैदर्स का क्या फंक्शन है गारमेंट में? डेकोरेटिव, गारमेंट को डेकोरेट करना. गैदर्स डालकर जब हम फ्रिल बनाते हैं तो, या गैदर्स डालकर हम फ्लेयर बनाते हैं, हम पफ स्लीव्स में गैदर्स डालते हैं, उसमें सुंदरता लाने के लिए, उनमें उनको सजावटी लुक देने के लिए. फिर है, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ शेयरिंग इज यूज्ड ऑन गारमेंट, शेयरिंग की कितनी मेथड्स जो है गारमेंट पर यूज की जाती हैं? वन मेथड, टू मेथड, लिमिटेड मेथड, पॉपुलर मेथड. शेयरिंग के लिए देखिए, शेयरिंग क्या होती है, गैदरिंग और शेयरिंग. गैदरिंग में हम क्या करते हैं, किनारे पर दो सिलाइयां लगाकर लूज थ्रेड से 5 नंबर का स्टिच लगाकर और फिर उसे धागे को खींचकर उसमें गैदर्स डालते हैं. और शेयरिंग में क्या होता है कि हम बहुत सारे जितने कपड़े में हमें शेयर्स चाहिए हम उस पूरे कपड़े पर सिलाइयां लगाते हैं वही बड़े टांके से 5 नंबर से और सारे कपड़े को इकट्ठा करते हैं. स्मोकिंग के लिए हम शेयरिंग करते हैं, तो ये एक ही तरह से होती है, इसलिए इसका होगा आपका वन मेथड, ऑप्शन ए. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ शेयरिंग, शेयरिंग के क्या फंक्शन है? फुलनेस, कंट्रोलिंग, डेकोरेटिव, कंट्रोलिंग फुलनेस इन गारमेंट. फुलनेस देने के लिए हम शेयरिंग को कपड़े गारमेंट में क्यों डालते हैं, उसमें फुलनेस देने के लिए, उसे उभरा हुआ दिखाने के लिए, जहां में जरूरत होती है फुलनेस की वहां पर हम लोग शेयरिंग का यूज करते हैं. आज हम इसी चैप्टर पर क्लोज करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. सो थैंक यू.